जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा। बस यही एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, पद्मेश 24/7 के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सोनेवानी अभ्यारण्य को लेकर अपने ही बात से पलटे गौरी भाऊ, कहा सोनेवानी में बनेगा अभ्यारण्य। पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा महामृत्युंजय घाट पर लगा शिवरात्रि मेला, हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने वैनगंगा नदी में स्नान कर की पूजा अर्चना। वारासुनी पुलिस ने गांजा तस्करों पर की कार्रवाई, 3 किलो से अधिक गांजा के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, 1 आरोपी हुआ फरार। दो अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की गई जान, 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस बार भी नहीं खुले उपजेल शिव मंदिर के पास, शिव भक्त निराश होकर लौटे वापस। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व, सुबह से लेकर रात तक मंदिरों और शिवालयों में लगा होता था। भरवेली थाना के अंतर्गत बैया रोड गांगुलपारा घाटी में पिकअप ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। पिकअप की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक भागीरथ पिता प्रेमलाल अजीत 55 वर्ष, ग्राम 40 बोड़ी, पुलिस चौकी सोनेवानी निवासी है। 18 फरवरी को 12:30 बजे करीब दुर्घटना उस समय हुई जब यह व्यक्ति भरवेली से गुटखा किराना सामान लेकर मोटरसाइकिल से अपने घर 40 बोड़ी जाने निकला था। प्राप्त जानकारी के अनुसार भागीरथ अजीत अपने परिवार के साथ 40 बोड़ी सोनेवानी में रहता था, जिसके परिवार में पत्नी और 2 बेटे हैं। पत्नी सत्यरेखा अजीत उसी ग्राम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी है। बड़ा बेटा विकास दिल्ली में जॉब करता है और छोटा बेटा मुकेश गांव में ही नहीं रहता है। बताया गया कि भागीरथ की गांव में ही छोटी सी किराना दुकान है। 18 फरवरी को भागीरथ अजीत सामान लेने के लिए मोटरसाइकिल में भरवेली आया था और भरवेली में गुटखा और किराना सामान लेकर भागीरथ अजीत मोटरसाइकिल से भरवेली से अपने गाँव 40 बोड़ी जाने निकला था। बैया रोड गांगुलपारा घाटी में उकवा की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे पिकअप ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। पिकअप की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल सवार भागीरथ अजीत की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया है कि दुर्घटना के बाद पिकअप चालक पिकअप को वहीं छोड़कर फरार हो गया। यह दुर्घटना की सूचना मिलते ही भरवेली थाने से सहायक उप निरीक्षक प्रमोद बागरी सहित अन्य पुलिस कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। मौके की कार्रवाई करने के बाद मृतक भागीरथ अजीत को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम हेतु लाया गया। सहायक उप निरीक्षक मृतक की लाश को पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार हेतु उनके परिजनों को सौंप दिया गया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। हमारे दोस्त ही हैं। क्या नाम है? करीबी दोस्त भागीरथ अजीत। कहाँ रहते हैं? ये 40 बोड़ी। दुर्घटना कैसे हुई है? दुर्घटना ये सुबह मेरे ख्याल से भरवेली आए हुए थे कुछ किराना सामान लेने और वहाँ से वापस जा रहे थे, तो उपवा तरफ से एक पिकअप वाले ने इन्हें गांगुलपारा के ऊपर घाट में मार दिया। मौके मौत हो गई। दिनांक को करीबन 1 बजे सूचना मिली कि एक गांगुलपारा घाटी में एक्सीडेंट हुआ है। जाके मैं वहाँ तस्दीक किया तो एक व्यक्ति जिसका नाम भागीरथ अजीत पिता प्रेमलाल अजीत है, वो अपना घरेलू सामान गुटखा सामग्री लेके 40 बोड़ी जा रहा था। तो रास्ते में उधर से आ रही बैयर तरफ से आ रही एक पिकअप वाहन ने सामने तरफ से ठोस मार दिया, जो मौके पर ही घटना स्थल पर उसकी मृत्यु हो गई। होंगे पोस्टमार्टम। देव को देव महादेव भोलेनाथ की आराधना का महापर्व शिवरात्रि शनिवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास व पूर्ण भक्ति भाव के साथ मनाई गई, जहां शिवरात्रि के अवसर पर जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन भी किए गए।
इसी कड़ी में वर्षों पुरानी परंपरा को निभाते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा नगर के महामृत्युंजय घाट पर शिवरात्रि मेले का आयोजन किया गया, जहां भोर सुबह से ही श्रद्धालु भक्तों का तांता लगा रहा। यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने पहुंचकर बनगंगा नदी में स्नान कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। वहीं पूजा पाठ, हवन पूजन, यज्ञ भंडारा, महाप्रसाद का वितरण सहित अन्य कार्यक्रम देर शाम तक चलते रहे। बताया जा रहा है कि मृत्युंजय घाट में करीब 50 से 60 वर्ष पूर्व शिवरात्रि के अवसर पर सिंधी समाज के द्वारा 2 दिवसीय मेला लगाने की शुरुआत की गई थी, जहां वर्षों से चली आ रही यह परंपरा अब भी कायम है, जिसे आगामी समय में भव्य रूप प्रदान करने की बात सिंधी पंचायत व अन्य आयोजक संगठनों के द्वारा कही गई। यहाँ पे कार्यक्रम विगत 50 वर्ष से भी अधिक के समय से सिंधी समाज द्वारा सर्व समाज के लिए शिवरात्रि के पावन पर्व पे एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिले और जिले के बाहर से भी दूर दूर दराज से लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इस पावन पर्व पर बालाघाट की पावन सलीला में स्नान करके और नदी के तट पर मनोहर प्रतिमा हमारे इष्टदेव महाप्रभु भोलेनाथ के दर्शन करके और सिंधी समाज द्वारा आयोजित इस मेले में जो प्रसाद का आयोजन किया जाता है उसका आनंद लेते हैं। और वर्षों से ये परंपरा जारी है, सिंधी समाज, पूज्य सिंधी पंचायत और अन्य सहयोगी संस्थाएं जैसे आयाराम संगठन, सिंधु सेना, महिला मंडल और भी हमारे मंडलों के सहयोग से इस मेले का आयोजन कर रहा है। और समाज का ये प्रयास है कि इस मेले को अब और बृहद रूप दिया जाए और सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आज इस महाशिवरात्रि के पर्व पर आकर के प्रसाद ग्रहण करें और महाप्रभु का आशीर्वाद लें। क्या मकसद था? आज से करीब 65-70 साल पहले जब हमारे बड़े बुजुर्ग लोग सिंध से आए थे तो बहुत कम शहर ऐसे थे जिनके बाजू से होकर नदी गुजरती थी, तो हम सौभाग्यशाली थे कि हम यहाँ बालाघाट में आओ, यहाँ पर पावन नदी, बैनगंगा नदी शहर के बिल्कुल बाजू से गुजरती थी, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और वहाँ पर जब सिंध से आए थे तो इसी तरह की सिंधु नदी सिंध से गुजरती थी तो हम उसको मानते थे और उसको ही भी हमने यहाँ पर उसी का रूप माना। और हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने यहाँ पर मेला शुरू किया, यहाँ पर वो आते थे, यहाँ पर अपने आने जाने के जो रास्ते थे वो भी सरल और सुलभ नहीं थे उस वक्त, तो यहाँ पर आते थे और यहाँ पर ही सारे पकवान और पूजा पाठ करते थे पूरे विधि विधान के साथ, और ताकि यहाँ पर एक आध्यात्मिक मेला शुरू हो। तो उनके प्रयासों से ये मेले का शिवरात्रि के रूप में उत्सव शुरू हुआ। कैसे शुरुआत ही, पहले क्या था यहाँ पे? पहले यहाँ पर कोई मेला नहीं रहता, नहीं होता था, सिर्फ साधारण नदी थी। और उन्होंने आए, यहाँ पर शंकर भगवान जी के मंदिर की भी स्थापना हुई यहाँ पर, फिर पूजा आराधना हुई विधि विधान से, फिर यहाँ पर इसका प्रचार प्रसार इतना हो गया कि आसपास के गोंदिया से, तिरोड़ा से, कटंगी से, भंडारा से कई लोग यहाँ पर आने लगे समाज के लोग। तो वहाँ यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर खाने पीने का प्रसाद के रूप में कोई व्यवस्था नहीं होती थी, तो यहाँ पर प्रसादी के रूप में बहुत तादाद में उनके लिए प्रसाद बनाना, ताकि यहाँ पर आएँ तो कुछ शंकर जी का प्रसाद वो खा के जाएँ यहाँ पर। और एक आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक चेतना के लिए भी था। और ये जो हमारा सनातन धर्म है उसमें तो ये बहुत उपयोगी है कि हम इन त्यौहारों का बड़ी जोर शोर से मनाए। अभी कहाँ कहाँ के लोग शामिल होते हैं इसमें? अभी यहाँ पर बहुत महाराष्ट्र के लोग आते हैं, MP के तो पूरे आते ही हैं, इधर सिवनी जिले के लोग आते हैं, कटंगी हो गया, गोंदिया हो गया, आज भी कई लोग गोंदिया के आते हैं यहाँ पर हमसे मिलने। तो इस शिवरात्रि मेले का जो नाम है काफ़ी है। खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कटोरी और चोर पिंड के पार के बीच मोटरसाइकिल जंगली सुअर से टकराने से मोटरसाइकिल में सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक व्यक्ति की जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतक मुन्नालाल पिता पूरनलाल बिरनवार 50 वर्ष सारी टोला थाना खैलांजी निवासी है। 17 फरवरी की रात्रि यह घटना उस समय हुई जब तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल में ग्राम चोर पिंड के पार में शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने घर लौट रहे थे। 17 फरवरी की शाम 5 बजे करीब मुन्नालाल बिरनवार अपने गांव के महेश वावरे और ईश्वर बिरनवार के साथ एक ही मोटरसाइकिल में ग्राम चोर पिंड के पार से भांजी की शादी में शामिल होने के लिए गए थे। शादी होने के बाद तीनों खाना खाकर रात्रि 9 बजे मुन्नालाल बिरनवार अपने साथी ईश्वर बिरनवार और महेश वावरे के साथ
मोटरसाइकिल में चोर पिंड के पार से अपने घर सावरी टोला आ रहे थे। चोर पिंड के पार व कटोरी के बीच मोटरसाइकिल के सामने अचानक जंगली सुअर आ जाने से मोटरसाइकिल जंगली सुअर से जा टकरा गई, जिससे तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल सहित गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल मुन्नालाल बिरनवार, ईश्वरी बिरनवार व महेश वावरे को खैलान जी के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। जिला अस्पताल पहुंचते मुन्नालाल बिरनवार की मौत हो गई। वहीं अन्य घायल महेश वावरे को नगर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं अत्यधिक चोट लगने से घायल ईश्वर बिरनवार को उसके परिवार के लोग उपचार हेतु गोंदिया लेकर गए। जिला अस्पताल पुलिस चौकी से आरक्षकों ने मृतक मुन्नालाल बिरनवार की लाश पोस्टमार्टम करवा कर उनके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना खैलान जी भिजवा दी है। करीनापुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अकोला के पहाड़ी चेक पुसिया पैताल देव स्थान पर नव निर्मित नर्मदेश्वर मंदिर में शिव ज्योतिर्लिंग के एक दिन के पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत महाशिवरात्रि पर भव्य मेले का आयोजन किया गया और महाशिवरात्रि पर सुबह से ही शिव भक्तों का तांता पूजन अर्चन व जलाभिषेक के लिए उमड़ पड़ा, जो देर शाम तक चलता रहा। महाशिवरात्रि पर यहाँ इतनी अधिक भीड़ थी कि जो एक तरह से मेले में तब्दील हो गई। मंदिर के आसपास तरह तरह की पूजन सामग्री की दुकानें, बच्चों के खिलौने, गुब्बारे सहित खान पान की सामग्री की दुकानों की सजावट से चारों तरफ मेले सा नजारा दिखाई दिया। आपको बताया कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम व महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर मंदिर प्रांगण में 19 फरवरी को विशाल भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि शाम 4:30 बजे के आसपास मध्यप्रदेश शासन के अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन अपने काफिले के साथ ग्राम अकोला के मंदिर पहुंचकर यहां भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। उसके पश्चात गौरीभाव ने संगीतमय टोली के बीच कुछ समय बैठकर झांझर भी बजाया, जिसे देखकर आसपास के ग्रामों से यहाँ पहुंचे ग्रामीण जन गौरीभाव को देखते ही हतप्रभ रह गए। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसे ने यहां उपस्थित लोगों से मुलाकात करते हुए सभी को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी दी। इसी तरह किरणापुर मुख्यालय में भगवान भोलेनाथ के भक्तों के द्वारा भगवान शिव, माता पार्वती, राम, लक्ष्मण, हनुमान सहित अन्य देवी देवताओं की जीवंत झांकियों के साथ ही शोभा यात्रा निकाली गई। अवंती चौक से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा में शिव भक्तों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर हाथों में भगवा ध्वज लिए बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाए। डीजे की धुनों पर शोभा यात्रा के द्वारा नगर के प्रमुख चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए समस्त शिवालयों में पूजन अर्चन करते हुए ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार के साथ पूजन करते हुए भगवान भोलेनाथ से अपने दुखों से मुक्ति व सुख समृद्धि प्रदान की जाने की प्रार्थनाएं की। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर समनापुर मार्ग पर स्थित वैनगंगा नदी के पावन तट धार्मिक स्थल पोटियापाड़ घाट में स्थित महाकाल मंदिर में 18 फरवरी को प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व पर क्षेत्रीय श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर शिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया।
महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर दोपहर 12 बजे मां नर्मदा के पावन तट की यात्रा कर लौटे कांवड़ियों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात भगवान शिव का नर्मदा जल से अभिषेक व रुद्राभिषेक किया गया। तत्पश्चात पावन सलीला मां वनगंगा के जल से महाअभिषेक किया गया और शाम में हवन पूजन के पश्चात महाप्रसादी का वितरण किया गया। पाँच शिवरात्रि पर यहाँ हवन पूजन होता है और बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आकर अपनी मन्नत के अनुसार अपनी कढ़ाई या अन्य प्रकार की पूजा पाठ करके ये बहुत यानी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। स्थान क्या आस्था है इस मंदिर में? इसमें मन्नत के हिसाब से यानी भगवान को यदि जो मन्नत है उसके पूरी पूरा करने में ईश्वर भगवान की दया दृष्टि होती है। हो गया कम से कम सात साल। क्या रहती है यहाँ की मंदिर की मान्यता रहती है? अपन जो मनोकामना करो पूरी होती है। मेरा अभिषेक होता है दही का, शुरू साल मैंने 21 लीटर का अभिषेक किया, तब से मैं अभिषेक करके आ रहा हूँ दही का। शिवरात्रि पर गांव को शहर से जोड़ने और प्रत्येक गांव को पक्की सड़क की सौगात देने के लिए जहां एक ओर केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं तो चलाई जा रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर प्रत्येक गांव को पक्की सड़क की सौगात देने का दावा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बावजूद इसके कि जिले के कई ऐसे गाँव है जो शहरों से नहीं जुड़ पाए, जिले में ऐसे कई पंचायत है जहाँ आज भी कच्ची सड़क गड्ढों में तब्दील दिखाई दे रही है, तो वहीं कई गांव में करोड़ों रुपए की लागत से पक्की सड़क बनाने का काम शुरू किया गया, कार्य एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। जहां सड़क के आधे अधूरे निर्माण के चलते स्थानीय ग्रामीण और उक्त मार्ग से आवागमन करने वाले राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खस्ता हाल सड़क से जुड़ा ताजा मामला आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे के विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा से जुड़ा हुआ है, जहां मंत्री के गांव बघोली से परसवाड़ा की ओर जाने वाला बाईपास मार्ग बगदर्रा से परसवाड़ा के बीच खस्ता हाल हो चुका है। जहां करीब एक वर्ष पूर्व शुरू किया गया सड़क निर्माण कार्य अब भी अधूरा है। करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस मार्ग में ठेकेदार के द्वारा गिट्टी बिछाकर बेस कर छोड़ दी गई, जिसका अब तक डामरीकरण न होने के चलते स्थानीय ग्रामीणों और मार्ग से आवागमन करने वाले कई गांवों के राहगीर को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां लोग युक्त जर्जर मार्ग से आवागमन करने के लिए मजबूर हैं, जिन्होंने शासन प्रशासन के विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए जल्द से जल्द उन्हें पक्की सड़क की सौगात दिए जाने की मांग की। ये यहां से परसवाड़ा जाती है, कितने किलोमीटर दूर का मार्ग होगा यहां से? कितने 2-1.5 किलोमीटर का है। तो ये बताइए, अर्थ कर दिया गया है और काम बंद दिख रहा है इसका? हाँ, इस पर गिट्टी डाल के यानी कि इसको बंद कर दिया है, इसको दबने को पानी वानी डाल करके दबा दिया है और ये काम बंद कर दिया। तो इधर खुटिया का काम चालू है, कटंगे से खुटिया। अच्छा, और आधा अधूरा काम किया ठेकेदार ने? नहीं, ये इसको पूरा कर दिया अभी, और उसके बाद में गिट्टी डालने के बाद में उधर काम किया उसने, क्या बोलते अपना बघोली रोड, उधर भी काम चालू है और इधर खुटिया भी चालू है। तो अभी इधर बघोली दोनों तब चालू है, खुटिया भी है बघोली भी। अच्छा, चालू एक काम मतलब एक काम में कर देता है, बाकी फिर उधर उधर का भी काम करता हूँ। हाँ, तो इसीलिए बंद पड़ी हुई है। हाँ, कब से बंद पड़ा हुआ है काम इसका? ये तो 2 महीना करीब होगा जी बंद पड़ा है। तो अच्छा, ये बताइए यहाँ तो सड़क बनना था, क्या बनी क्या बनी सड़क? नहीं बनी है सर, 2.5-3 महीने का काम बन रहा है इसका। क्या करके गया ठेकेदार अभी? बस ये छिलनी बिछाए काली वाली मोटी गिट्टी, उसके बाद में छोड़ दिया। तो पूछे नहीं क्या, बताया नहीं क्या किसी को आपने? पूछते हैं अपन उनसे, तो बोलते हैं कि बघोली रोड का काम चालू है, कोई बोलता है खुटिया रोड का काम चालू है, तीनों का साथ एक साथ में डामरीकरण करेंगे, ऐसा बोल के चलाते हैं। लेकिन फिर भी कब स्टार्ट हुआ था काम इसका? ये तो स्टार्ट तो भैया पिछले मई जून से चालू है, तो लेकिन अब तक नहीं बन पाई सड़क, अभी तक क्लियर नहीं हो पाई। बगदरा से परसवाड़ा के बीच बनाई जाने वाली इस सड़क का अधूरा निर्माण होने के चलते मार्ग किनारे आने वाले कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह बाईपास मार्ग बघोली से बगदरा, बगदरा से लिंगा, लिंगा से परसवाड़ा होते हुए लांजी की ओर जाता है, जिसका निर्माण कार्य 1.25 करोड़ रुपए की लागत से करीब एक वर्ष पूर्व किया गया था, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी अब तक सड़क का निर्माण पूरा नहीं किया गया। जहां पुरानी सड़क को खोदकर मार्ग के पुनः निर्माण के लिए ठेकेदार के द्वारा गिट्टी बिछाने और बेस करने से स्थानीय लोगों को आवागमन करने वाले राहगीरों को
भारी रोड से लिंगा से लेकर के भरवेली तक का आवागमन होता है। अच्छा, पूरा बाईपास ही मार्ग बन गया है लगभग लगभग पूरा, बिल्कुल बैयर से लेकर के किरनापुर लांज के लिए बाईपास मार्ग, बाईपास मार्ग शॉर्टकट भी पड़ता है। हाँ, शॉर्टकट। सर, ये देखा जा रहा है कि 3 किलोमीटर दूर का जो रास्ता है उसमें चिल्ली बिछा दी गई, लेकिन बन नहीं पाया अभी तक। ये लगभग 3 महीने से बंद है ये काम, और क्यों बंद है ये नहीं मालूम। कभी आते हैं किसी महीने में थोड़ा सा अपना 10-20 फीट कर दिए, उसके बाद फिर बंद रहता है। किसके माध्यम के द्वारा बनाया जा रहा है ये? ठेकेदार के माध्यम से बन रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री विभाग से बन रहा है? नहीं नहीं, ये राशि जो है मंडी निधि की है, अपने उसकी खनिज निगम की। खनिज निगम की है। तो फिर भी क्या होना था अभी तक? अभी तक तो ये कार्य पूर्ण हो जाना था लगभग, और अभी क्या आज के 2-3 महीना पहले ही पूर्ण हो जाना। परंतु क्यों इसको लंबित करके रखा गया है ये नहीं जानता मैं। एक और बात है यहाँ पर, जैसे रोड बनी है नाली बनी, इसको देखा ये एक दूसरे गांव जाने का मार्ग है, परंतु इस मार्ग को भी बिल्कुल नाली बना करके छोड़ दिया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग SDO SC धुवारे ने बताया कि बगदर्रा से परसवाड़ा मार्ग का निर्माण कार्य शुरू है। गिट्टी का बेस कर उसे सेट होने के लिए छोड़ा गया है। ठेकेदार को उक्त मार्ग का डामरीकरण करने के निर्देश दिए हैं। ठेकेदार कहीं भी काम छोड़कर नहीं भाग सकता, वह अलग पार्टीशन में काम कर रहा है। 1 माह के भीतर उक्त मार्ग को बनाकर कंप्लीट कर लिया जाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना का पर्व शिवरात्रि शनिवार को जिले सहित नगर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां जगह जगह विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए गए जो भोर सुबह से लेकर देर रात्रि तक चलते रहे। इस कड़ी में शनिवार को महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर नगर के शंकर घाट, नर्मदा नगर स्थित शंकर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, जागपुर घाट सहित नगर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही, जहां जगह जगह रुद्राभिषेक, हवन पूजन, धार्मिक अनुष्ठान कर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। बात अगर नगर के शंकर घाट की करें तो नगर के शंकर घाट में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी शिवरात्रि के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया, जहां भोर सुबह ही रुद्राभिषेक सहित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन संपन्न कराए गए। तो वहीं दिन भर पूजा पाठ, महाआरती, प्रसाद वितरण व भंडारे का कार्यक्रम चलता रहा। यहाँ कतारबद्ध होकर श्रद्धालु भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। नववर्ष पर चुनरी यात्रा, दशहरा में हनुमान चल समारोह, महाशिवरात्रि पर शिव बारा जैसे धार्मिक आयोजन करने वाले बालाघाट जिले में भगवान भोलेनाथ की भक्तों का त्यौहार महाशिवरात्रि पर एक नई धार्मिक परंपरा की शुरुआत की गई। इस वर्ष महाकाल सेना व कालीपाट मंदिर समिति के द्वारा शंकर घाट में भगवान शंकर के दर्शन करने पहुंचने वाले भक्तों के पांव पूजन कार्यक्रम किया गया, जिसमें करीब 400 मीटर से लंबी लाइन शंकर घाट में नजर आई और भक्त मंदिर में भगवान शंकर का जल, दूध से अभिषेक का पूजन करते हुए नजर आए। शिवरात्रि के पावन अवसर पर शंकर घाट मंदिर में तरह तरह की झांकियां शामिल रही। तो वहीं वैनगंगा नदी किनारे स्थापित की गई भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के केस से निकलती वैनगंगा की धारा ने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित किया। इसके अलावा रंग बिरंगे लाइटिंग, आकर्षक सजावट भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आई। जहाँ सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र पानी में तैरता हुआ केदारनाथ मंदिर की झांकी रही, जहां इस वर्ष 18 फीट के केदारनाथ मंदिर की पानी में तैरती झांकी विशेष झांकी बनाई गई थी, जिसे नाव के ऊपर रखकर वैनगंगा नदी के पानी में रखा गया था, जो लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। Thank you.
जी भैया जी भैया वारासुनी थाना के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करते हुए 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी मेहंदीवाड़ा से हुई है, जिसमें 2 व्यक्ति तो पुलिस के गिरफ्त में आ गए, वहीं 1 व्यक्ति फरार हो गया। पुलिस ने इस कार्रवाई को 17 फरवरी को अंजाम दिया। पुलिस को मिली मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई घेराबंदी कर की गई, जिस पर पुलिस ने चैनलाल पिता स्वर्गीय नेतलाल बोपचे उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 1 किरणापुर, चित्रांश उर्फ ओम पिता गजेंद्र श्रीवास्तव 19 वर्ष निवासी बैगा मोहल्ला वार्ड नंबर 4 वारासिवनी का निवासी है, वहीं फरार आरोपी बिट्टू उर्फ नीलेश नागेंद्र निवासी वार्ड नंबर 13 वारासिवनी का निवासी है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस दौरान पुलिस ने चैनलाल और चित्रांश श्रीवास्तव से 3 किलो 516 ग्राम गांजा पकड़ा गया है, जिन पर धारा 8/20 NDPC एक्ट कायम कर मामले को विवेचना में लिया गया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय से उनकी रिमांड मांगी जाएगी, ताकि जिले में सक्रिय गांजा पदार्थ के अवैध परिवहन में शामिल लोगों का खुलासा किया जा सके। 17 तारीख को मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी कि 2 लोग किरनापुर तरफ से मेहंदीवाड़ा की ओर से गांजा लेकर वारासनी की ओर आ रहे हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की और मेहंदीवाड़ा पुल के पास में जब 2 लोगों को संदिग्ध हालत में आते हुए देखा और उनको रोका, तो उनके पास में से गांजे के पैकेट मिले हैं। उनके पास में से लगभग 3.5 किलो गांजा मिला था, और साथ में ही उनके पास पैशन प्रो मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इसमें एक आरोपी बिट्टू उर्फ नीलेश हैं, जो अभी फरार हैं, उसकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 63/20/23 धारा 8/20 NDPC एक्ट में कार्रवाई की गई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, PR पर लेकर इनसे और पूछताछ की जाएगी कि इनके द्वारा कहां से गांजा लेके आ रहे थे और सप्लाई कहां का किया जाता था। प्रथम दृष्टया जब इनके से गांजा जब्त हुआ, तो गांजे के साथ में इनके घर से मेजरमेंट के लिए जो छोटा तोल होता है, वो भी जब्त किया गया। सर, कहां के निवासी? 2 इसमें, एक चैनलाल पिता स्वर्गीय नेतलाल बोपचे किरनापुर का निवासी है, चित्रांश वारासिवनी का निवासी, बिट्टू नीलेश नागेंद्र ये भी वार्ड नंबर 13 वारासिवनी का निवासी, जो फरार है। सर, जैसा कि आपने बताया कि एक छोटा तौल भी जब्त किए, क्या माने इस बात को लेकर? निश्चित तौर पे गांजे का धंधा करते थे ये, और यहीं से कहीं ना कहीं इनका सप्लाई पूरा चैनल रहा होगा। हम उस चैनल को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। सर, प्रथम दृष्टया ये समझ आ रहा है कि महाराष्ट्र से अपने गांजे की सप्लाई हो रही है,
हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी एक हफ्ता मुश्किल से चार दिन पाँच दिन हुए हैं, एक गांजे की बड़ी खेप बालाघाट में भी पकड़ी थी, उससे पूर्व पहले भी डोंगरमाली के सरपंच जो थे, पूर्व सरपंच थे शायद, उनको भी पकड़ा था। तो इस तरह से लगातार गांजे की इस पे कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। वाराणसी में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय उपसेवा केंद्र साधना भवन वाराणसी में शिव जयंती महोत्सव का आयोजन पूर्ण श्रद्धा व धूमधाम से शिव ध्वज फहराकर दीप प्रज्वलित कर मनाया गया। 87वें त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष में भव्य शोभा यात्रा व झांकी निकालकर ईश्वरीय संदेश व परम पिता परमात्मा शिव का परिचय दिया गया। प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को शिवरात्रि के महत्व और संस्था के उद्देश्य को बताते हुए पर्चों का वितरण किया गया। शोभा यात्रा स्थानीय सेवा केंद्र साधना भवन से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों पर होते हुए अपने गंतव्य स्थान पर वापस सेवा केंद्र पर जाकर संपन्न हुई। दीदी, आज रैली निकाली गई है, क्या है पूरा कार्यक्रम? ओम शांति। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो शिवरात्रि का अर्थ यहाँ पर यही बताया गया है कि कलयुग अर्थात जो अज्ञानता के अंधकार से बिल्कुल पूर्ण भरपूर हो चुका है, ऐसे समय पर वो पिता शिव अपने वायदे अनुसार इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। तो वास्तव में महाशिवरात्रि अर्थात शिव का इस भारत भूमि पर आना और हम सब बच्चों को दिव्य गुणों से सजाना, इसी कारण आज ये रैली निकाली गई है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।